नमस्कार, मेरे मोगरा के प्लांट में ब्लूमिंग स्टार्ट हो गई है और शायद ये पहले से हो रही थी, मैं देख नहीं पाई क्योंकि हर टिप में ऐसे तीन बड आई थी, इस तरीके से तीन बड आई थी और खिलने के बाद ये अब एक एक बड रह गई है। मैंने पहले भी नोटिस किया था कि हर टिप पे तीन बड है और अभी लेकिन ये एक बड रह गई है और एक फ्लावर खिला है। इसका मतलब एक फ्लावर खिल करके गिर चुका है और इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा ये ब्लूम नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें ब्रांचेज नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि ये प्लांट स्वस्थ है। और इसी प्लांट में ये ऑक्जेलिस के फ्लावर है, ये बहुत सुंदर फूल हो रहे हैं। जब एक फूल आया था मैंने देखा था ये सुंदर है, तो इस वजह से मैंने ये प्लांट नहीं हटाया। इसमें ये सीड भी बनने लगे हैं और शायद इन्हीं सीड की वजह से ये ऑक्जेलिस, जब ये सीड मिट्टी में बिखर जाते हैं और उस मिट्टी को हम जब गमले में यूज़ करते हैं तो गमले में अपने आप ही उगाता है, और अगर इसकी जड़ भी रह जाती है तब भी ये अगली बार खुद ही उगाता है। और ये देखिए इसके कितने सुंदर फूल हो रहे हैं। इस पॉट में मोगरा और ऑक्जेलिस के अलावा एक एडिबल प्लांट भी है, ये देखिए। अभी इसमें खाली सीड ही सीड है इसलिए ये अजीब सा दिख रहा है, लेकिन बेसिकली इसकी ऐसे कोरिएंडर यानी धनिया की तरह की पत्तियां होती है और ये बहुत ही खुशबूदार होता है। इसकी सब्जी बनती है, हरी सब्जी बनती है। इसको हमारे यहाँ तो जूनियर आई बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं या आपके एरिया में ये होता है नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, अगर होता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इस प्लांट को मैं उखाड़ने वाली थी लेकिन मेरे पापा जी ने मुझे बोला कि इसके हम सीड हार्वेस्ट करेंगे, इसलिए मैंने इसे उखाड़ा नहीं। और ये देख सकते हैं आप इसमें छोटे छोटे, ये सारा सीड से भरा हुआ है, इसमें पत्ते कम और इसमें सीड ज़्यादा हैं और सीड हल्के ब्राउनिश होने लगे हैं, हल्के हल्के ब्राउनिश होने लगे हैं, तो इस हफ्ते ये सीड पक जाएंगे। ये देखिए इसमें ये ब्राउन हो रहा है, तो ये पक जाएंगे इस हफ्ते, तो हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे और अगली बार मैं फिर इसके सीड प्रॉपर ग्रो करके सब्जी उगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से इस पॉट में तीन प्लांट हैं, एक तो ये सीड के लिए हमने जूनियर आई रखी है इसमें, एक ये ऑक्जेलिस के फ्लावर हो रहे हैं सुंदर सुंदर, और दूसरा ये मेरा मोगरा खिल रहा है। हालांकि मोगरा पे बहुत अच्छी ब्लूमिंग तो नहीं हुई है लेकिन फिर भी बेहतर रिजल्ट है। मैं इसे खुश हूँ, ब्रांचेस तो नहीं आई थी इस पे नहीं, लेकिन प्लांट हेल्दी है तो इसलिए ठीक है। मैंने आपसे शेयर किया, मेरी शेयरिंग आपको कैसी लगी मुझे भी बताइएगा। हैप्पी गार्डनिंग।